Good morning, children. So, this is the next part of the lesson how many squares? Let's see what is there. So, go to page number 41 first. Go to page number 41. Okay, open a book. You will see there a topic try triangles. Okay, you will see there try triangles. Okay, so uh, here you will uh, see a picture or diagram. Okay this is a rectangle with 20 squares okay you can count there are 20 squares in it so the area will be the square of this rectangle is 20 square centimeter that's clear now see what samina is saying okay samina this is samina she is saying something both the big triangles you can see the triangle this is a, a blue triangle okay and this is a red triangle okay both the big triangles in this rectangle have the same area samina is saying ki dono jo triangle hai na dono ka area same hai but ye jo sadik hai na sadik sadik bol raha hai sadik is saying but this look very different ये दोनों तो काफ़ी different लग रहे हैं तो एरिया सेम कैसे हो गया so, let's हम इसको चेक करते हैं

you will note down your copy completely let's see how to write them answer will be the blue triangle is half of the big rectangle okay the blue triangle is half of the big rectangle you can see that yes see in the this picture here you can see very clearly that the blue triangle is half of the big rectangle this is the big rectangle okay and the blue one is just half of the बिग रेक्टेंगल ओके नाउ एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर वो तो मैंने पहले बता दिया यू कैन काउंट हीयर ऑल्सो दैट एरिया इज ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने नंबर भी डाल रखे हैं टोटल ट्वेंटी स्क्वायर्स हैं ऑफ़ वन सेंटीमीटर साइड सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल भी ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल वेरी इजली बिकॉज द ब्लू ट्राएंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल सो

The girl is saying something. and गर्ल इज सेंग समिंग एंड एंड वट अबाउट द रेड ट्राइंगल सेट अबाउट द रेड ट्राइंगल अब रेड ट्राइंगल की बाहर है Let's see what is there. Oh, in it, the boy is saying in it in it मतलब रेड ट्रायंगल में ठीक है ब्लू ट्रायंगल की तो बात हो गई ये था आपका ब्लू ट्रायंगल ऐसे ठीक है इसका तो एरिया निकाल लिया हमने अभी रेड ट्रायंगल की बात हो रही है सो so, in इट there आर टू halves. ऑफ़ टू डिफरेंट रैक्टेंगल्स अब यहाँ क्या है कि जो बिग रेक्टेंगल था ये था हमारा बिग रेक्टेंगल ठीक है इसको दो पार्ट कर दिया टू पार्ट कर दिया ठीक है वन पार्ट इज ऑरेंज ऑरेंज रेक्टेंगल सेकेंड पार्ट इज ग्रीन रेक्टेंगल यू कैन सी दैट ना जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द बिग रैक्टेंगल ओके नाउ वी डिवाइडेड दिस इन टू पार्ट दिस इज द फर्स्ट पार्ट

साधिक इज टॉकिंग अबाउट तो साधिक जो दो रेक्टेंगल की बात कर रहा है ये ऑरेंज वाला रेक्टेंगल और ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल इन दोनों का आपको एरिया बताना है यू विल फाइंड द एरिया ओके एंड देन योर क्वेश्चन इज वाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल मेन मेन क्या है मेन इज दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एरिया ऑफ दिस रेड ट्राइंगल बट बिफोर दैट यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस टू रेक्टेंगल्स ओके और दोनों का हाफ करके उसको प्लस कर देंगे वही क्या हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा ठीक है सो लेट्स सी हाउ टू गेट द आंसर यस हियर यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली द क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राएंगल ओके मैंने सेम पिक्चर यहाँ पर बना दिया है इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए ठीक है थीके? मैंने यहाँ इसको ड्रॉ किया है नाउ दो पार्ट कर दिया ना दिस इज द ऑरेंज रेक्टेंगल ओके एंड दिस इज द ग्रीन रेक्टेंगल ओके नाउ देयर आर देर आर टू रेक्टेंगल्स द ऑरेंज रेक्टेंगल कंटेंस ट्वेल्व कंप्लीट स्क्वायर्स यू कैन सी ट्वेल्व कंप्लीट स्क्वायर्स इन दिस रेक्टेंगल देर आर ट्वेल्व कंप्लीट स्क्वायर्स यू कैन काउ हमने आप लिख दिया है एंड द ग्रीन रेक्टेंगल कंटेंस एट कंप्लीट स्क्वायर्स यू कैन सी ना एट कंप्लीट स्क्वायर्स ठीक है ट्वेल्व हो गया ऑरेंज वाले रेक्टेंगल में एंड एट स्क्वायर्स हो गए ग्रीन वाले रेक्टेंगल में सो दस द एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल द एरिया ऑफ दस एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल इज ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल इज इक्वल टू एट स्क्वायर सेंटीमीटर क्लियर अपने दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइन कर लिया ना द मेन थिंग इज टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल ना सो ले नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एरिया ऑफ एरिया ऑफ द ऑरेंज पोर्सन ऑफ द रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू ठीक है ये है ये है हमारा रेड ट्राइंगल ओके दिस इज रेड ट्राइंगल इट कंटेंस हाफ पार्ट फ्रॉम इट कंटेंस हाफ पार्ट फ्रॉम ऑरेंज और रेक्टेंगल एंड हाफ पार्ट फ्रॉम ग्रीन रेक्टेंगल ओके सो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ऑरेंज वाले जो रेक्टेंगल है उसका हाफ पार्ट चाहिए और ग्रीन वाले रेक्टेंगल के एरिया का हाफ पार्ट चाहिए सो so, हम यहाँ पे पता कर रहे हैं एरिया ऑफ द ऑरेंज पोर्सन ऑफ़ द रेड ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल इट वॉज ट्वेल्व टोटल इट वॉज ट्वेल्व आपने पता किया अभी सो ट्वेल्व डिवाइड कर देंगे टू से बाई टू दैट विल बी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर ओके मीन्स आपने ये वाला पता कर लिया हाफ दिस हाफ यू गेट ठीक है नाउ एरिया ऑफ ग्रीन पोर्सन ऑफ द रेड ट्राइंगल दिस इज द रेड ट्राएंगल एंड दिस इज द ग्रीन पोर्सन दिस इज द ग्रीन पोर्सन ओके नाउ इट विल बी 8 divided by 2 because this total was 8 this total was 8 and uh, by 2 matlab divide kar dinget, you will get this portion okay you will get this half so that 8 divided by 2 that is square centimeter means equal to 4 square centimeter okay now you got it that this is this is the 8 6 square centimeter and this part is 4 square centimeter. Okay, this is 6 and this is 4. Now you can imagine, you can understand that the total will be 6 plus 4, 10. So you will write here. Uh, Thus, area of the red triangle is equal to 6 plus 4 square centimeter. This is equal to 10 square centimeter. So this is surprising. Okay, means red triangle ka bhi area that is 10 square centimeter. And blue wale ka bhi kata? 10 square centimeter. It means the girl was correct. So you will note down this answer. This is the question. You will note down answer from here up to here. Okay. Up to here. Okay. We will draw the shape also. Now let's go to next page, page number 42. Page number 42. Here they are again talking. Yes, you are right. And you know what you can draw many more triangles. Okay. तो लड़ बॉय बच्चे ने कहा हाँ तुम सही थी ठीक है दोनों का एरिया सेम निका यू कैन ड्रॉ मेनी मोर ट्राइंगल्स ऑफ एरिया टेन स्क्वायर सेंटीमीटर इन दिस रेक्टेंगल इन दिस रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल यस दिस इज़ द मैजिक मैजिकल रेक्टेंगल इसमें कुछ मैजिक है ना कि इसमें जो भी हम ह्राइंगल ड्रॉ करेंगे उसका एरिया कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा है क्या अभी आपको हम बताएंगे ओके वेट सो आपको बोल रहे हैं कि ऐसे आप और भी ट्राइंगल ड्रॉ करो जिसका एरिया क्या होगा एरिया विल बी टेन स्क्वायर सेंटीमीटर ट्राई ड्राइंग देम ओके दिस इज योर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन रीड यर हेल्प साकिब इन फाइंडिंग सम मोर सच ट्राइंगल सच ट्राइंगल मीन्स ऐसे ट्राइंगल्स सच ट्राइंगल मीन्स ऐसे ट्राइंगल्स हु एरिया इज टेन स्क्वायर सेंटीमीटर ओके ड्रॉ एट लीस्ट फाइव मोर और वो कहाँ पर ड्रॉ करना है इन दिस मैजिकल रेक्टेंगल ठीक है सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन यस द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज यस क्वेश्चन इज ड्रा फाइव मोर ट्राइंगल्स ऑफ एरिया टेन स्क्वायर सेंटीमीटर इन द गि रेक्टेंगल एंड द गिन रेक्टेंगल आपने देख ही लिया कौन सा रेक्टेंगल है दिस इज द रेक्टेंगल ओके सो मैंने ड्रॉ किया हुआ है कुछ आप उसको देखेंगे सो ट्राइंगल वन यू कैन सी द ट्राएंगल वन यस ट्राइंगल वन इज हयर देखो यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है ठीक है दिस इज द ट्राइंगल वन नेक्स्ट ट्राइंगल इज दिस इज द सेकेंड ट्राइंगल ऑल आर डिफरेंट ठीक है ऑल आर डिफरेंट ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है बट एरिया इज सेम इसका एरिया कितना है टेन इसके स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है और इसका भी एरिया कितना है टेन स्क्वायर सेंटीमीटर ओके ना लेस इज द नेक्स्ट नंबर थ्री यस नंबर थ्री इट इज इल्सो डिफरेंट ये भी डिफरेंट है नंबर फोर ये भी डिफरेंट है ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट वन जैसी नंबर फाइव ये भी डिफरेंट है सो यू कैन सी ऑल द फाइव ट्राइंगल्स आर ऑफ डिफरेंट सेप ठीक है बट द एरिया इज सेम ओके सो वट इज़ मैजिक देर सी देर इज़ नो मैजिक जस्ट सी क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास ये बिग रेक्टेंगल दिया हुआ है ठीक है ओके okay? तो इसको हम कहीं से भी दो पार्ट कर लो आप कहीं से भी मान लो मैंने यहाँ से दो पार्ट कर लिया दो पार्ट कर लिया ना सो दिस इज द दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट यू कैन से दिस इज द फर्स्ट दिस इज द सेकेंड पार्ट नाउ ये दोनों पार्ट मिलके कितने हो रहे हैं ट्वेंटी ही तो हो रहे हैं ना एवरी टाइम द टोटल एरिया इज ट्वेंटी ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर तो जब टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसको बाद में प्लस करने पर ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर ही तो होगा ओके दिस इज द मैजिक लेट्स सी हियर मान लो कि ये ये आपका दिस वॉ दिस इज द बिग रेक्टेंगल ओके दिस टाइम मैंने यहां से डिवाइड कर दिया ठीक है ठीक है उसमें क्या किया था यहां पे दूसरे जगह यहां से डिवाइड कर दिया नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द बिग रेक्टेंगल नाउ दोनों का आप इसका क्या है इसका एरिया कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ये हो गया आपका ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर and now for this, let's see in this uh, part, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. okay, 12 plus 8, 21. Uh? that was already 20. now, in this part means this part, this part of the triangle will be 6. now, 6 and this part of the triangle will be 4. because total is 8. now, 6 plus 4 is 10. 10 ho gaya yes. एवरी टाइम इट विल बी एज आई एम सेंग जैसे यहाँ देख लो यहाँ भी क्या है बीच से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्राइंगल और ये जो पार्ट है वो किसके हैं ये पार्ट है ये बड़े वाले पार्ट के ये हो गया फर्स्ट पार्ट ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट अभी टोटल क्या हो गया दिस इज आई स्क्वायर ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन अभी क्या हो जाएगा सिक्सटीन का हाफ कितना हो गया दिस इज द हाफ ए हो गया एट एंड नाउ वट एबाउट दिस वन दिस इज अगेन रेक्टेंगल ऑफ वन टू थ्री फोर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड फोर का हाफ कितना हो गया टू तो दिस विल बी टू ओके नाओ एट प्लस टू कितना हो गया दैट इज टेन सो एवरी टाइम एवरी टाइम यू विल गेट टेन स्क्वायर सेंटीमीटर देर इज नो मैजिक इज जस्ट कॉन्सेप्ट ओके द सेम वे यू कैन सी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट रेक्टेंगल ऑल्सो ही मैंने क्या किया दिस टाइम ये जो बिग रेक्टेंगल था ये रहा बिग रेक्टेंगल दिस टाइम मैंने यहाँ से बीच से यहाँ से दो पार्ट कर दो आप हाफ पार्ट यह हो गया आपका वन साइड यहाँ हो जाएगा सेकेंड साइड इस पार्ट में एंड थर्ड साइड इज दिस नाउ टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एरिया ऑफ दिस ब्लू ट्राइंगल यू विल गेट टू पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल

ये हो गया आपका फाइव एंड टेन का हाफ यहाँ से हो जाएगा ये हो गया फाइव नाउ दिस फाइव प्लस फाइव विल बी टेन मीन्स द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज़ टेन स्क्वायर सेंटीमीटर अगेन ओके दिस आई थिंक यू अंडरस्टैंड आप अच्छे से इसको वीडियो को देख लीजिएगा बार बार ठीक है देन यू विल गेट द कॉन्सेप्ट वेरी ईजी ओके सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे सी यू नेक्स्ट क्लास थैंक यू